नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले तो श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ मुनि श्री तरुण सागर जी की दिव्यात्मा के श्री चरणों में। एक संत का समाधि वरण और जो कड़वे प्रवचन की अपनी विशिष्ट शैली से जाने जाते थे और अंतिम समय तक जिन्होंने अपने साधुत्व के उस सतत्व की अनुपालना करते हुए जिंदगी को अलविदा कहा और जो जैन धर्म के जो आदर्श हैं, जो परंपराएं हैं, उनको गौरवान्वित किया। हृदय से महान दिव्यात्मा के प्रति श्रद्धास्पद श्रद्धा के फूल समर्पित करता हूं। आज फिर एक सामाजिक मुद्दा है और सिरियारी से संबंधित है। सिरियारी जो कि तेरापंथ समाज के आस्था का सर्वोच्च स्थल, आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल, और जहां पर हर वर्ष एक विशेष दिन हजारों की तादाद में लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और आचार्य भिक्षु के दरबार में हाजिरी देते हैं। लेकिन पिछले वर्ष कुछ अलग सा हुआ था, जिसकी अनुभूति स्वयं मैंने भी की थी और वहां के लोगों को भी यह एहसास था कि धम्म जागरण का जो एक महत्वपूर्ण दिन था, उस दिन तेरापंथ श्रावक के लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सिरियारी में पहुंचने के लिए मना किया गया था। फिर भी कुछ हजार लोग जिनके मन में आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा थी, वो अपने आप को नहीं रोक सके, वे आए। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म संघ के प्रमुख या उनके अनुयायियों के द्वारा अगर कोई ऐसी बात, ऐसा आदेश, ऐसा पैगाम, ऐसा विचार संप्रेषित होता है और कोलकाता में इतना भव्य आयोजन इस रूप में किया जाता, सिरियारी में आने वाले संघ गायकों को कोलकाता आने के लिए चाहे दबाव से चाहे स्वीकृति से उन्हें यहां बुलाया गया, एक कोशिश हुई कि सिरियारी का वो उत्सव उस रूप में न हो। सवाल यह है कि क्या इस वर्ष भी सिरियारी में संघ गायक नहीं आएंगे? क्या इस वर्ष भी सिरियारी में जो एक श्रद्धा का प्रभाव उमड़ता है उसको नहीं आने दिया जाएगा? या जो प्रमुख हैं समाज के, धर्म संघ के, उनका अपना एक अधिकार है, अगर उनका निर्णय ये है कि आचार्य भिक्षु का ये उत्सव जहां आचार्य, जहां साधु संत समुदाय विशेष रूप से रहे, वहीं पर किया जाए, यानी आचार्य की उपस्थिति में किया जाए, तो फिर इस बार वो चेन्नई में होना चाहिए। फिर इस बार सारे संघ गायक और जो एक आस्था की जो एक भीड़ है वो सब चेन्नई में आनी चाहिए, सिरियारी में नहीं आनी चाहिए। ये देखना है। 22 तारीख को ये उत्सव है, 22 तारीख को ये धम्म जागरण का दिन है, पवित्र दिन है। देखना यह है कि इस बार यह उत्सव सिरियारी में होता है या चेन्नई में होता है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि आचार्य भिक्षु का यह उत्सव पूरे देश में हो, विदेश में हो, जहां भी उनके श्रद्धावान लोग हो वो हर जगह करें, सही है ये। लेकिन
एक भूमि के जो अणु होते हैं उसका बड़ा प्रभाव रहता है। जहां पर जिस किसी महापुरुष का जन्म होता है या महाप्रयाण होता है उसकी भूमि अपने आप में प्रकंपित होती है, तरंगित होती है, ऊर्जित होती है। इसलिए अगर उत्सव उस धरती पर ही हो तो शोभा तो वही है, होना तो वही चाहिए, लेकिन अगर आचार्य की उपस्थिति में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ष के लिए उसको बाधित किया गया, क्योंकि उस वक्त सिरियारी में प्रशासनिक व्यवस्था किसी और के हाथ में थी और जिनके साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव था, और अब प्रशासनिक व्यवस्था अपने किसी प्रिय के हाथ में है, इसलिए वो सारे रास्ते अगर इस वर्ष खोल दिए जाएं तो फिर लोगों के मन में जो ये सवाल उठ रहा है कि क्या संत समाज के मन में भी इस तरह की भावना रहनी चाहिए या संघ प्रमुख के मन में इस तरह की भावना क्या रहनी चाहिए, हम श्रावकों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में अलगाव, द्वेष, राग, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन संत समाज से अपेक्षा नहीं की जाती और आचार्य से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि उस वार का जो हुआ था, जो माहौल बना था, जिस तरह की रोक टोक हुई थी और जिस तरह से उस माहौल ने सवाल खड़े किए थे, अगर इस बार सिरियारी में अगर उत्सव नहीं होता है, संघ गायक सब चेन्नई में आते हैं, उत्सव की सारी लीलाएं अगर चेन्नई में होती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लोग ये समझेंगे कि समझने में भूल हुई है, शायद संघ प्रमुख आचार्य भिक्षु के उत्सव को अपनी उपस्थिति के साथ ही मनाना चाह रहे होंगे और उनका निर्णय वही होगा, और मुझे लगता है तब इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि संघ प्रमुख का अपना निर्णय है, उसके प्रति भी हम सब का सम्मान है। पर अगर उस वार नहीं हुआ और इस वार सिरियारी में हो गया तो फिर सवाल की सुई सीधी उधर जाएगी और फिर चाहे लोग जुबा से बोले या न बोले, मन से जरूर ये बोलेंगे कि ये राग, ये द्वेष की भावना काम कर रही थी, ये प्रियता, ये अप्रियता की भावना काम कर रही थी, ये मेरा और ये तेरे की भावना काम कर रही थी, और ये भावना स्वीकार्य नहीं हो सकती, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती। अब फैसला आने वाला वक्त बताएगा। सिरियारी में पिछले वर्ष के उस धम्म जागरण में मैं स्वयं उपस्थित था, मैंने स्वयं लोगों से यह सुना कि गाड़ियों को रोका गया, मैंने स्वयं यह सुना कि इस तरह का किसी पत्र का वाचन करते हुए यह बताया गया कि आने का निर्देश नहीं है, जाने का निर्देश नहीं है। फिर भी कुछ समाज के अति विशिष्ट लोग आए और बहुत तेजी से आए, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह गए, रुके नहीं। आचार्य भिक्षु के प्रति उनकी श्रद्धा थी या न आने का कोई डर था, क्योंकि जहां चमत्कार होते हैं श्रद्धा के वहां लोग डरते भी हैं, वहां पर कोई फतवा, कोई अपील फिर काम नहीं करती, भले ही वो चुपके से आए लेकिन आते हैं, वो हाजिरी देकर के जाते हैं। मुझे लगा कि पिछले वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और इसके साथ जो एक दृश्य मैंने देखा कि कुछ लोग कहीं के आए थे और उन्होंने वहां कुछ जो लोग सक्रियता से काम कर रहे थे उत्सव को सफल बनाने के लिए,
उन पर ये विरोध किया था कि आप क्यों यहां पर, आज नहीं होना चाहिए, निर्देश नहीं है। तब उनसे पूछा गया आप क्यों आए, बोले बस सिर्फ हम दर्शन के लिए आए हैं, और वो चले भी गए। तो ये जो भावना आध्यात्मिक परिसर में और अध्य प्रवर्तक के एक उत्सव में, उनके महाप्रयाण के उस उत्सव में, धम्म जागरण के उस उत्सव में, अगर ऐसी भावना कहीं काम करती है तो फिर हमें यह सोचना होगा कि आध्यात्मिक परिसरों से हम क्या सीख रहे हैं, हमें क्या सिखाया जा रहा है, हम किस पथ पर चल रहे हैं। मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सवालों से परहेज नहीं करता। और बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से मेरे मन में ये सवाल, सिर्फ मेरे मन के नहीं हैं, लोगों के मन के हैं, समाज के बहुत सारे लोगों के मन में है। और 22 तारीख का माहौल देखने के बाद में उनका मन एकदम क्लियर होगा कि क्या साजिश थी, जानबूझ करके पिछली बार किया गया था, या फिर एक नई परंपरा दी गई है। देखना यह है कि सिरियारी में इस बार 22 तारीख को उत्सव का नजारा कैसा होता है। अगर मेरा व्यक्तिगत विचार पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली बार भी सिरियारी में धम्म जागरण जबरदस्त होना चाहिए था, इस बार भी सिरियारी में ही होना चाहिए था, क्योंकि स्थान प्रधानम, बहुत सारी स्थितियों में स्थान की प्रधानता बताई गई है, उस भूमि का महत्व सबसे अलग है। अगर आचार्य भिक्षु के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था की बात है और धम्म जागरण एक विशेष अवसर, विशेष दिन की बात है, तो हाजिरी वहीं पे लगनी चाहिए। हाँ, किसी वजह से अगर नहीं आ पा रहे हैं, अगर उनके पास आचार्य का स्थल नजदीक है तो वो आचार्य की सन्निधि में जा सकते हैं, आचार्य उनके प्रतिनिधि ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आचार्य से भी दूर हैं, सिरियारी से भी दूर हैं, तो अपने गांव कस्बे में जहां भी संत समाज, साध्वी समाज उपस्थित हैं, उनके सानिध्य में भी वो उत्सव मन सकता है। यह उत्सव हर घर में, हर नगर में होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन जो लोग सिरियारी आ सकते हैं उन्हें सिरियारी आना ही चाहिए। ये परंपरा जो है, इसका जो रंग है, इसका जो प्रभाव है, वो जो सिरियारी में है वो कहीं और नहीं हो सकता। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मेरे विचार सही ना हो, लेकिन अपनी भावना रखने का अधिकार है और मैंने अपनी भावना रखी है। आम लोग शायद 22 तारीख के उस माहौल के बाद ये निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे कि पिछले वर्ष वास्तविकता क्या थी। हालांकि जो भी घटनाएं हुई, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघ प्रमुख का हवाला देते हुए हुई, या संस्थाओं के उच्च पदाधिकारियों का हवाला देते हुए हुई, कैसे भी हुई, इंगित कहीं से था तभी लोगों ने यह हिम्मत की थी। और अगर वो इंगित नहीं था तो ये सूचना भी जा रही थी कि लोग ऐसा कर रहे हैं, तब हाथों हाथ एक्शन क्यों नहीं हुआ। तब हाथों हाथ स्पष्टीकरण होना चाहिए था कि सिरियारी जाने में किसी के लिए कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है, रुकने का कोई, किसी को रोकने का कोई निर्देश नहीं है, आपकी जैसी सुविधा हो आप जा सकते हो। हमारी संस्कृति में फतवा होता नहीं है, और इस तरह के निर्देश, मैं आशा करता हूं ऐसे निर्देश नहीं हुए होंगे, लेकिन जो हालात पिछले वर्ष बने थे वो ऐसा निर्देश बताते हैं कि संभवतः ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है ये निर्देश नहीं होते, ये फतवे होते हैं, और जैन संस्कृति में फतवा कभी हमने सुना नहीं है। मुझे
ये विश्वास है कि अब कुछ ऐसा नहीं हो, आने वाले दिनों में कभी ऐसा नहीं हो कि जिससे, अगर किसी की श्रद्धा कहीं है, वो रुकने के लिए मजबूर हो जाए किसी भी डर से, किसी भी भय से, किसी भी दबाव से। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के मन की श्रद्धा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जहां आचार्य भिक्षु की बात है, वहां मैं ये कहता हूं कि आचार्य भिक्षु से बड़ा तेरा पंथ में कौन है? कोई नहीं है। आचार्य भिक्षु के सामने कोई नहीं हो सकता और कोई नहीं होना चाहिए। सर्वोपरि आचार्य भिक्षु ही रहने चाहिए। और अगर आचार्य भिक्षु के सम्मान में कहीं कोई बात आए तो फिर उससे समझौता तनिक भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना निजी मत है, मुझे नहीं मालूम आपकी सहमति कितनी बनेगी। सहमति असहमति हो सकती है। मैं सभी के प्रति सम्मान रखता हूं, लेकिन जब कहीं कोई बात गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रही होती है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा मर्यादा का उल्लंघन कर रही होती है, और जो मुझे नहीं लगता, सिर्फ मुझे नहीं लगता, जो समाज के आम आदमियों के मन में कचोड़ता है, यह अलग बात है कि वो खुलकर के नहीं कह सकते। पर उनके मन से ये आवाज निकलती है, और जब कोई बात मन में होती है तो कहीं ना कहीं से वो बात आ ही जाती है। मैं उस दर्द को भी कहना चाह रहा हूं। देखना यह है कि 22 सितंबर आचार्य भिक्षु के धम्म जागरण का उत्सव सिरियारी में या चेन्नई में, अगर सिरियारी में होता है तो फिर इसका सीधा सा अर्थ, पिछले वर्ष फिर ये एक साजिश थी लोगों को रोकने की, क्योंकि सिरियारी की प्रशासनिक व्यवस्था किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में थी जो उनका प्रिय नहीं था। यह बात लोगों तक निर्णय करने के लिए जाएगी, इसे न मैं रोक सकता हूं न आप रोक सकते हैं। सच्चाई को दबाने की कोशिश लाख कर लीजिए, लेकिन सच्चाई की परतें एक न एक दिन खुद खुलकर के बोलने लग जाती है। और अगर चेन्नई में होता है तो फिर यह बात है कि आचार्य की अपना एक निर्णय है, आचार्य ने एक नई परंपरा दी है, उसमें कहीं विरोधाभास की बात नहीं, आचार्य का ही अधिकार है। अगर वो अपनी उपस्थिति में अपने सबसे प्रथम गुरु की के उत्सव को मनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर फिर भी इतना तो सवाल रहेगा कि सिरियारी में लोगों को, अगर जो आचार्य तक नहीं पहुंच सकते, जो सिरियारी पहुंच सकते हैं उनको रोका तो नहीं जाना चाहिए ना? जाए, स्वतंत्रता है, जिसको जहां सुविधा मिले वो जाए। ये तो भावों की अंजलि है, भावों की श्रद्धा है, हाजिरी है। अगर सिरियारी भी नहीं जा सकते, जहां आपके आचार्य हैं वहां भी नहीं जा सकते, तो जहां आपका कस्बा है या कस्बे के आसपास जहां आपके साधु संत साध्वी समुदाय है या समणी जी हैं वहां पर जा सकते हैं। अगर वहां भी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप अपने घर में आचार्य भिक्षु का ध्यान कर सकते हैं। यह सब वाजिब है, पर मन में साजिशें नहीं चलनी चाहिए। और विशेषकर आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक जगत पर बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। यह मेरा सबसे सविनय अनुरोध है। ये मेरा कहीं कोई कटाक्ष नहीं है, सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, यह सवाल तेरा पंथ समाज के आम आदमियों के मन का सवाल है। और अगर मैं इस बात को आज नहीं कहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं
समाज के आम आदमी के मन की बात को दबाने का गुनहगार बनूंगा। और एक पत्रकार के नाते जो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है सूचनाओं के प्रेषण की, निर्णायक मैं नहीं हूं, निर्णायक समाज के लोग हैं, समाज का आम वर्ग है, जो निर्णय लेगा वो लेगा, और उसके साथ समाज के जो हमारे संस्थाओं के उच्च पदाधिकारी हैं और उनसे भी ऊपर धर्म संघ के प्रमुख हैं। लेकिन ये अपील तो कर ही सकता हूं कि निर्णय चिंतन के साथ, निष्पक्षता के साथ, सहृदयता के साथ, सौहार्द के साथ निर्णय होना चाहिए। दोस्तों, सच कहने की कोशिश की है, हो सकता है कहीं कड़वाहट बोल गई है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। अगर किसी के मन को मेरा कोई शब्द लग जाए तो मैं सविनय क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद कभी किसी के दिल को आहत करने का नहीं होता, कभी नहीं होता। सच्चाई कहने की कोशिश करता हूं, और आप जानते हैं कि सच्चाई का जायका कड़वा होता है, इसलिए वो कड़वी लग जाती है। लेकिन मैं मन से किसी का विरोध करने के लिए नहीं आता, किसी के लिए कटाक्ष करने के लिए नहीं आता। मैं विसंगतियों पर बात करने की कोशिश करता हूं। ये अलग बात है कि विसंगतियां कहीं ना कहीं से जुड़ाव रख करके होती है, इसलिए बात वहां तक चली जाती है। फिर भी मेरा किसी व्यक्ति विशेष से, न तो साधु संत समाज से, न हमारे किसी संस्था के पदाधिकारियों से, न हमारे समाज के आम व्यक्ति से, किसी के प्रति मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध, कोई कटाक्ष, कोई आरोप नहीं है। मेरा आरोप, मेरा सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, समाज के लोगों का सवाल है, उसमें मेरी भी सहमति बन रही है, ये सही है। और तब मैं इसकी विवेचना करते हुए बात को कह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस विवेचना को अन्यथा नहीं लेंगे और समाज में उचित सुधार की रूपरेखा बनाएंगे। अतीत की भूलों का सुधार हो और वर्तमान में स्वस्थ, सुंदर, सौम्य, सुदृढ़ शुरुआत हो, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बात सही है, आपके मन की बात मैंने कह दी है, तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप कहीं आपके मन को लगता है कि बात सही नहीं है तो आप डिसलाइक करने के भी अधिकारी हैं। कमेंट बॉक्स पर आकर के आप अपनी बात भी कह सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।